we are, everyone. Welcome back to the channel. This is Saurav and you are watching Himalayan Pahadi. And saans phool rahi hai. Actually main thoda bhag ke aaya hu piche se, to isliye aisa lag raha tha saans phool rahi. So right now hum abhi गौतम हो रोके डांडा, मतलब डांडा बोले तो दिस अ प्लेस वे वी यूज टू टेक आवर काउस और बैल गाय जो भी होते थे उनको गर्मियों के टाइम पे वहाँ ले जाया करते थे. तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं. बेसिकली वहाँ अखरोट के पेड़ हैं इनके दो चार, तो देखने जा रहे हैं कि अखरोट पके हैं नहीं पके हैं. बाकी पके होंगे तो लेके आएंगे, नहीं पके होंगे तो फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा. बाकी जा रहे हैं अभी और ऑलमोस्ट आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है और बाकी गौतम लोग आगे चल रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे हूँ. तो देखते हैं अभी पहुँचते हैं वहाँ, तब बताते हैं आपको क्या है कैसे सीन है. ये मुझे गोलेंद्र भाई इधर देखिए. क्या हुआ बोला, घबरा क्यों रहा तू, ऐसे बता मेरे को. अच्छा क्या बोलना चाहेंगे आप, आज हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा खिंचा करके बोलिए. मरेडा. क्या करने जा रहे हैं मरेडा? तेज बोल लो थोड़ा, क्या करने जा रहे हैं मरेडा? नहीं क्या पता कन, मैं क्या पता नहीं. भी स्टार्ट हुई काटी के लो मगाड़ी. अच्छा बोल काले जाना झंडा. ये कदे की बोलना कैमरा. अरेडा क्या करने जाना करेडा? अखोड़. अखोड़ खाना की अखोड़ जाना. अखरोड़ लाने. देखना देखिए पके की नहीं पके, पके की नहीं पके हैं. ये कदे की बोलने, ये कदे आपने खींची दिखा. सो हम हाजिर रास्ते में पहुंच चुके हैं जहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं, जहाँ से हमने रिवर क्रॉस करी थी वाटरफॉल के जाने के लिए. ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं. ये यहाँ पे रिवर है, इसको क्रॉस करके उस साइड वाटरफॉल के लिए जाते हैं. बट आज हम उस साइड नहीं जा रहे हैं, आज हमें जाना है स्ट्रेट. ये स्ट्रेट रास्ता है, देख सकते हो आप ऊपर की तरफ. ये गोली भाई पीछे हमारे, ये देखिए अपना मुँह छुपाते हुए, इनको शर्म ज़्यादा है. देखिए ये देखिए बिल्कुल ऐसे घबरा रहे हैं जैसे हम इनको वायरल कर देंगे. सो अभी चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं, क्या पहुँचते हैं, दिखाते हैं फिर आपको. देखिए पेड़ बह के आ चुका है नदी में और यहाँ ये वो जगह है जहाँ से हमने रिवर क्रॉस की थी उस दिन वाटरफॉल के लिए जाने के लिए. वाटरफॉल देखो दिख रहा है आपको हल्का सा, यू कैन सी वो रहा. हाँ वो दिखा दो हल्का सा दिख रहा है. बाकी आज हम स्ट्रेट जा रहे हैं ऊपर की तरफ और पानी का शोर तो आप सुन ही सकते हैं, बहुत तेज है. तो अभी चलते चलते देखो हमें क्या मिली है. ये चेरीज, कुछ ब्लैक चेरीज, कुछ रेड चेरीज. हमारे इसको गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं हिस्सर, काली सर. वो पेड़ है उसका वहाँ पे, उससे निकाली मैंने, देख सकते हो आप. एंड इट्स वेरी यूनिक, ये आपको और कहीं नहीं सिर्फ हिमालयन रीजन्स में मिलेंगी. बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, देख सकते हैं रिवर साइड में. इनको खाते हैं, मज़े लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. तो अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ, मतलब मैं पहुँच चुका हूँ और उनका पता नहीं चल रहा है. मेरे साथ जो गौतम और गोली आए थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मेरे को मिल नहीं देना, दिख रहे हैं आसपास. सो देखते हैं, ढूंढते हैं उनको, कहीं मिलेंगे तो. ये वो जगह मेरे पीछे देख सकते हो आप, पूरा खेत खेत है. ढूंढते हैं पहले उनको, तब मिलते हैं, बात करते हैं आपसे. अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा गए किधर को. यहाँ से दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. और टावर भी नहीं आ रहे जो मैं उनसे बातचीत कर सकूँ, पूछ सकूँ कहाँ जाना है क्या जाना है. तो अभी देखते हैं, मिलते हैं उनसे पहले, तब बताते हैं आपको, बताते हैं क्या होता है. ठीक है चलिए. अभी यार मेरे को दोनों भी मिल गए हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था, वो देखो दोनों आगे जा रहे हैं.
और अभी हम किसी की छानी में पहुंचे हैं और अभी आगे जा रहे हैं इनका और आगे, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है सीन। थकान बहुत लग गई है, बहुत नीचे से आए हम एंड काफ़ी स्टीप थी, पसीना पसीना हो गया देख सकते हैं पूरा। और पानी पीने जाते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो फाइनली हमें कुछ खाने लायक चीज़ मिली है, ये देख सकते हैं आप। ये एक्चुअली एक क्या बोलते हैं इसको, इट्स काइंड ऑफ फ्रूट जिसको बोलते हैं कि हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में घिंग्यार। और नो क्या लिटिल एप्पल्स एज यू कैन से, ये देखिए। तो कैसा था गौतम खाने में? मीठा है और इट्स टेस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आप अपने मुंह में घोल दीजिए, मतलब उसको तरह है टोटल, बस छोटा स्ट्रॉबेरी समझ के जरिए है ना। तो हम ये खाते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे मिलते हैं आपको। सो फाइनली वी हैव रीच दैट प्लेस, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां हमें आना था। और ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा इलाका ये फ्लावरिंग और किस में पूरा फ्लावर उग रखे हैं ऊपर तक, बिल्कुल बहुत ऊपर तक देखिए ना, पूरा ऊपर तक एकदम फ्लावरिंग हो रखी है। ये एक्चुअली वाइल्ड फ्लावर है, ऐसे कोई उगाए हुए फ्लावर नहीं है। तो बस अब देखते हैं अखोड़ के पेड़ ऊपर की साइड है, वहाँ जाते हैं, अखोड़ अखोड़ देखते हैं लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, तोड़ते हैं उनको, देखते हैं कच्चे हैं पके हुए हैं, पके हुए होंगे तो खाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, बाकी जैसा भी है बताते हैं आपको आगे। अखरोट के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, एक्चुअली जो अखोड़ है सारे के सारे वो कट फोड़वा सुना होगा आपने, वुड पैकर सारे अखरोट फोड़ फोड़ के खा चुका है और यहाँ पे कोई आसार नहीं मिल रहे हैं हमें। तो निशा हमें यहाँ लगी है निराशा हाथ। तो गौतम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप, क्या क्या इच्छा है आपकी? हमारे यहाँ तो निराशा लगी है, बस इच्छा क्या है और कुछ नहीं लगाया निराशा के अलावा, हाथ मन खट्टा हो चुका है कह रहा है भाई, पेड़ एकदम खाली है, इसमें कोई अखोड़ नहीं है, सारे अखोड़ वो वुड पेकर खा चुका है। सो क्या कहें अब, अच्छा बैड लक। सो हाँ ये गोविंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ये देखिए कुछ ट्राई कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं ट्राई आप गोविंद्र भाई? सो दिस इज इट ऑल अबाउट, देखते हैं कुछ रहेगा रास्ते में तो बताएंगे, बाकी हम तो निराश हो चुके हैं यहाँ पे, हताश हो चुके हैं, मिलते हैं कुछ देर में। अच्छा स्वीट ही बना रहे हैं, ये देखिए अब घास के लिए स्वेट ही बन रही है ना, नीता और बेटी गिंटर भी नहीं आए, वो नहीं आए रिकॉर्ड ही नहीं है माई। आप कपा अखरोड़ सब कट अखोड़ खाए अखोड़, ये देखिए ये स्वेट ही बना रहे हैं घास के लिए। तो क्या चाय लेंगे आप, क्या लेंगे सर पानी? मैं लूंगा मट्ठा। मट्ठा तो कल होगी बोलो, आज मट्ठा नहीं है, आज मट्ठा नहीं है, मट्ठा है बासी है, फिर माँ शाम को मट्ठा तैयार हो जाएगी। तो फिर गौतम बैठेंगे आप यहाँ पे, क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या बात बूढ़े की खाई क्या विचार है? तो ये देखिए स्वीट ही बन चुके हैं। दो भैंस है, गाय वगैरह है, तो यहीं पे रहते हैं ये लोग। गोलेंद्र भाई हमारे बाहर से झांकते हुए, चलेगा चाय पी के जाना, हमारे लिए चाय बन रही है, अब चाय पी के जाएंगे हम लोग। अरे सब लोग बैठे हुए हैं, ये छान है बहुत सुंदर। फाइनली गांव के चाय डांडा में प्योर दूध की चाय,
दो दो भैंस रखी हुई जो अंदर उनकी चाय, देखिए सब लोग चाय पी रहे हैं। ये देखिए एकदम चाय बिल्कुल एकदम मस्त प्योर दूध की, और व्यू देख सकते हैं आप सामने, इतना सुंदर व्यू है, और चाय का मजा लेते हुए सब लोग। सो फाइनली वी आर हेडिंग बैक टू द विलेज, मतलब आ गए हम वापसी अखरोट, हमें कुछ मिले नहीं अखरोट का, तो बिल्कुल एकदम नामो निशान था नहीं, वहाँ कुछ सारे वोट पेकर खा चुके थे। सो उसके बाद हम उधर ही के कुछ हमारे गांव के लोग रहते हैं तो उनके यहाँ रुके, उन्होंने चाय वाय पिलाई हमें, कुछ मैंने मजे के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, वो घास लेके आ रखे थे, घास का वो जो बोलते हैं ना भारा वो मैंने उठाया, आई जस्ट ट्राइड कि है ना क्या उठा पाता नहीं उठाता, इट्स अराउंड 35 to 40 kg, पर जब मैंने उठाया तो इट वॉज़ वेरी हैवी, बट जो भी है जैसा भी है आई ट्राइड माई बेस्ट, पर मैं उसको आधा 500 मीटर से ज़्यादा नहीं ले जा पाऊँगा, आई नो दैट। सो वो बहुत ऊपर से लेके आते हैं पहाड़ों से, एंड यही है सब यहाँ का आसपास जीवन। क्या कहता है गौतम, तू ले आएगा उस भारे को, कितने ऊपर से लेके आते होंगे लोग? ले आते 3-4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर से लेके आते हैं इसका कहना है, हाँ 3-4 किलोमीटर से लेके आते होंगे वो, लगा लीजिए अब 40 किलो पहाड़ पे 3-4 किलोमीटर में लेके आना, तो इट्स वेरी हैवी टास्क। तो लोग करते हैं मेहनत, करते हैं लोग मेहनत का, गाय भैंस को खिलाने के लिए लेके आते हैं, पालते हैं, घी वगैरह बनाते हैं उसका। सो इफ़ समवन वांट्स घी फ्रॉम माय विलेज दे कैन कॉन्टेक्ट मी, इट्स अराउंड 800 rupees per kg, बट इट्स प्योर, यू नो एकदम प्योर घी मिलेगा उनको, हिमालयन घी, जिसका वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, है नहीं?